मैं स्कूल से आते आते थक चुकी हूँ, बीच में बैठ गई हूँ, इतना सामान खरीद के लाई हूँ। दुकान वाला सामान दे दो, सामान दे दो। राम राम सा, राम राम सा। सब्जी बीजी है लिए हम थक गई बैठी बैठी। छोरी हूँ यार बिसे फोन तई कारण बह गया थे। दे दो दूध 1 किलो, 2 थैली दूध की दे दी, 1 दे दो हल्दी पाउच। छोटो ही देना अपने, कम सब्जी खाने वाले। मैरी गोल्ड हो तो मैरी गोल्ड दे दो, नहीं तो फिर तो फिर तो क्रैक जग दे दो। कितना दूं? 4। अरे 5 वाला दो, 10 वाला नहीं। 1 किटकैट दे दो, 10 वाली नहीं वाले, 10 वाली नहीं वाले, 20 वाली 1 दे दो। पास पत्थर है किटकैट ना, 5 वाली कौन चाहिए, 20 वाली 1 दे दो। टावर को मार्केट कैट लाई हो तो बस मैं 10 साल नहीं हुई 20 साल लिया हूँ, बांट ले लियो। बस इतो ही साहब बता दो। बस कित हो या पार्टी चेकिंग कर लो, 130 रुपये आज कैश दे। फोन मेरे चालू है नहीं, ला एक 132 निकाल लो। ओ गया सामान। हाँ जी तो चलते हैं, सामान ले लेते हैं, भूल जाएंगे, यहाँ पर रखा हुआ बहुत सारा। तो है ना, आज किसी ने बताया कि वीडियो वायरल कैसे करना है, तो इसलिए मैं नए तरीके से बना रही हूँ, आपको भी बता दूंगी। अगर मेरा वायरल हो जाए तो आप लोग जो बना रहे वो भी ऐसे ही बनाना, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो वीडियो बनाने के चक्कर में एक हाथ में मैंने 5-7 किलो वज़न उठाया है, क्योंकि किसी ने बोला है कि आपको वीडियो बीच में काटना नहीं है, पॉज कर सकते हो, रास्ता आगे से बंद है, क्या करें, रास्ता दिख रहा है लेकिन पैदल वाले चल सकते, तब तक मेरी उंगलियां कट जाएगी, इतना भार है नीचे रखना पड़ेगा। आज किसी ने बोला है कि ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, चलो अपन भी जो है भेड़ चाल चल के देखते हैं होता है कि नहीं होता, ट्राई करते, मतलब कि कैसे होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये माइक मैंने लगा लिया यहाँ पर, ताकि भीड़ भाड़ में भी आवाज़ थोड़ी ढंग की आए, अब आई है कि नहीं आई है वो भी नहीं पता। और आपको सारी टेक्निक आगे बताती हूँ, थोड़ी पहले घर तो पहुँच जाऊँ, मेरे हाथ की जान निकली चली जा रही है, जान तो मेरी निकलती है लेकिन हुई थक गई हूँ। मैं वहाँ से रवाना हुई तब एक बाइक वाला, मैं जिस गली में जाती हूँ उस गली मेरे पीछे पीछे, मुझे लगा भाई वो मेरे पीछे है कहीं, भाई मुझे मेरा मर्डर हर्डर ना करवा दे। लेकिन अभी मैं यहाँ खड़ी रहेगी दूसरे घर के सामने, मैंने कहा उसको लगेगा कि ये इस घर में घुसेगी, तो तब मैंने देखा तो वो यहाँ आया, यहाँ पर इसने बाइक रोकी, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और फिर कोई और उनके साथ चढ़ा और फिर चला गया। मतलब शायद मेरे मन का वहम था, कोई और था, लेकिन शक्ल ऐसी लग रही थी, मैंने देखी देखी सी, तो मतलब कुछ हो भी सकता है, नहीं भी था पता नहीं, काफ़ी देर से पीछा पीछे पीछे आ रहा था। मैं दुकान पर थी तब भी वहाँ खड़ा था, फिर बाइक लेके दूसरी गली में गया, वहाँ से वापस इस गली में आया, फिर मैं यहाँ आई इस गली में आया, मतलब उससे पहले लगा ये इस गली में जाएगी तो वो उस गली में चला गया, पक्का नहीं कह सकते लेकिन डाउट पूरा है। चलो मैंने सामान यहाँ रखा, हाथ थोड़े ठीक आराम मिल गया, अब चलते हैं। मेरे से है ना हाथों से ज़्यादा भार ऊँचाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता सच में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इस माइक से सही सही आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं पूरा ही वीडियो इसी में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। वो भाई और भी सामने खड़ा था, वो पीछे खड़ा है, वो आया और मेरा डाउट बिल्कुल सही है, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है सचमुच में। बाइक के नंबर मैंने देख ली हैं, इसलिए करने दो उसका पीछा।
पहले मैंने सोचा डाउट कर रही हूँ मैं, मुझे डाउट हो रहा होगा, गलत होगा, लेकिन वो वापस आके वहाँ खड़ा रह गया पीछे। बंद ही नहीं हो रहा यार वो भाई। अभी आगे वाली गली से निकला यहाँ से, मतलब ये भेजा हुआ कोई चमचा है, इसके नंबर है ना बाइक के, वो नोट करके काम करना पड़ेगा। उसको मैंने देखा है इस दीवार के पीछे बहुत आगे खड़ा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। वापस आता है ना तो रोक के एड्रेस दे देती हूँ, भाई मेरा पता चाहिए और क्या चाहिए तेरे को, बोल। ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैं अपने आप देने को तैयार हूँ। बाइक बज रही है, चालू रखते। बाइक सामने खड़ी है, मैं जा रही हूँ, वो भाग रहा है, देखिए वो जा रहा है, मैं पीछे पीछे जाऊँगी। ऐसे देखो, ऐसे भेजे इनसे, कौन डरेगा बताओ। मैं हूँ, खोल दे। हैं तो दिव्या, अभी मैं आ रही थी और दो तीन लफंगे तेरे पापा के भेजे हुए होंगे, और कौन पीछा कर रहे थे ठेठ चौराहे से यहाँ तक बाइकें लिए हुई, जिस गली में जहाँ से मैं जाती हूँ पीछे पीछे, फिर यहाँ जाके खड़ी कर दी, फिर मैं गई पीछे सामान इधर रख के, फिर वहाँ से बाइक लेके चला गया। बाइक नंबर मैंने ले लिए, देखते हैं। अरे भाई तेरे को क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए ना, हम दे देते हैं, आ जाओ, वेलकम। तुमने बोला था ना मादी आदि ले लेंगे किटकैट, तू कह रही थी चार आ रहे, तीन आ रहे, तो ऐसे ऐसे तोड़ दो यूँ चाकू से। अरे तेरे से ले रही थी तो एक स्लाइस दे दूँ, 20 की पूरी तेरे को कौन देगा। हाँ, मैं तो इसे एक स्लाइस तो दूंगी। तो ऐसे क्या करते, चेंज क्यों नहीं किए कपड़े, अभी भी बाहर आवाज़ें आ रही है, हत्थे पड़ गया ना, भले पति देव पड़े भले ही इनके लंगोटिए यार पड़े। वेट तो किया मैंने, कहा भाई आ जा, तेरे को क्या देखना है, घर का एड्रेस देखना है, बच्चों से मिलना है, मेरे से मिलना है, आ जा। भागा क्यों फिर, पता नहीं किस बात का डर लग गया उसको। चलो सामान जो लाई हूँ, बच्चों के किटकैट, दूध, और उसमें क्या लाता, फ्रूट्स है और सब्जी है और मेरे प्यारे बच्चे लेकर आते हैं भैंस के दूध की छाछ, अपने आप लाते हैं, मंगाने की मेरी आदत है नहीं, स्कूल के ये मैं लेके जाती हूँ, काम कभी आता नहीं है। और वो ला, और ये तुम लोगों के गत्ते, एक दो, छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। ठीक, भूत के जैसे बच्चे बैठे ना, तो चेंज किया, सो गए थे मैं सो गया तो नहीं सोई, चेंज करना चाहिए कपड़े, फिर महंगे होते हैं, ऐसे क्या करते हो। दिव्या को बातें आलू के पराठे, तो आलू हम और दिव्या खाने के साथ ऑनियन भी खाते हैं, प्याज भी, तो प्याज भी है, केले और बाकी। आजकल कांच बहुत जल्दी तोड़ देते, पहले वाला कांच टूटा, उसके बाद ऐसे बुरे दिन आए, उसके बाद दो लाई थी वहाँ पर वो टूट गए, अब यहाँ पर ये नया लेकर आई, तो अब मतलब होता है कि हम रख के बिस्तर हम पता चलता नहीं ऊपर बैठ जाते, फिर मैं ज़रूरी चीज़ लाई हूँ, ये बिंदिया मेरे पास थी कितने दिन से नहीं थी पता है ना, और ये कुछ था यार, कुछ मेरा खोला हुआ यार, पर्स दो यहाँ पे है, ये मैं दो लाई हूँ, एक मैरून, एक रेड, एक छोटी साइज, एक बड़ी साइज, नॉर्मल है वो, खा गया ये बैग पर, कैसी तो दिख रही हूँ मैं भयानक, और ये चीज़ लेके आई, ये मेरे पास थी, ये मांग, जितना रिश्ता छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी भी साइज घटती जा रही है। मम्मा बताए आपको एक बात बताओ, कब से मेरे पास की नहीं आ, मांग मतलब ये जगह होती है जहाँ पर ये सिंदूर भरा जाता है। अच्छा, तो ये तो मांग तो वो होती है दिव्या कहती है, और ये तो सिंदूर है, मांग का सिंदूर है। पहले भी मैं मांग ही कहती थी, लेकिन फिर मेरे को पता चला ये आदत इसने मेरे से ली, मैंने ऐसे ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ सबकी निकाल दी। चलो मैं मनाती हूँ तेजस के लिए मैगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसे महंगी मैगी मांगी है, और चलो। तो गाइस शायद आपके है ना, आपको आई होगी क्या कहते हैं आवाज़, क्योंकि ये मेरा माइक इस स्कार्फ के साथ खो गया था और वहाँ मिला था, ऐसे स्कार्फ था तो वहाँ पड़ा मिला था, आवाज़ आई है कि नहीं आई वो तो नहीं पता, और देखूंगी बीच में काटने की कोशिश करूंगी, अगर कट गया तो फिर बीच का काट देंगे, और ये माइक मैं भूल गई थी क्योंकि लगा थी कभी हूँ नहीं, अब देखते हैं। जिस जगह से आपको आवाज़ आनी बंद हो वहाँ कमेंट जरूर करना कि इतनी मिनट या इतने सेकंड पे आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है। चलो अब रसोई में केले खा लेते हैं, और यार सारे काफ़ी ज़्यादा केले हैं ख़राब हो गए,
मैंने कभी केला ये खराब नहीं करती, ना तो मैं खराब लाती हूँ और ना करती हूँ। और आज मैंने 3-4 केलों को वो क्या कहते हैं उसको मसल दिया बेचारों को, क्या कहते हैं कुचल कुचल दिया। खोलो तो इसको, तू ये खा ले, वो मेरे को दे। खोलो इसको। तो दोस्तों किसी का फोन है, वो फोन अभी उठाऊंगी। और वो जो लड़का था ना बाइक पे मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, उसको शक्ल से मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अब उसका नाम पता कैसे पता करना वो भी मुझे पता है, और शक्ल से ऐसे जानती हूँ कि वो उसका फ्रेंड है और मैंने उसके साथ उसको कई बार देखा है। ऐसी गंदी हरकतें और घटिया हरकतें क्यों करता है, और वो तो करे जो करे, ये कुत्ते क्यों करते हैं, इनको क्या लेना देना, क्या करें मैं मतलब इनका। माइक यहाँ पड़ा और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो फ़ोन ये दोबारा भी आ रहा है तो मैं फ़ोन रख काट रही हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं पता करके बताती हूँ कल कि ये कौन थे बेशरम कहीं के, जो पीछा कर रहे थे किसी और के वाइफ की, किसी और की बेटी की, किसी और की बहन की, किसी और की माँ की, इनके खुद के घर पर पता नहीं कौन ध्यान रखता होगा। तो दोस्तों आज टारगेट था कि पूरी वीडियो को बिना कोई टुकड़ा जोड़े ही पूरा करना है, लेकिन वो नहीं पाया है। अब ये वाला और एक आगे दो टुकड़े जोड़ेंगे फिर पूरा। तो देखो वीडियो रिस्टार्ट किया था कि आप लोगों को बताएंगे वीडियो वायरल कैसे होता है, और ऊपर मेरे ऊपर खतरा आ गया। मतलब जिसने मुझे बताया ना उसने ये कहा था, दिव्या आवाज मत आन देना, उसने कहा कि आप अपना वीडियो जो है कहीं पर भी जाके एडिट मत करो, जैसे रिकॉर्ड करते हो एक बार में रिकॉर्ड कर लो। मतलब मैंने बीच में पॉज तो किया था कई बार, लेकिन उसको जो है टुकड़े टुकड़े नहीं जोड़े हैं। तो देखते हैं अगर मेरे चलते हैं तो फिर आप लोगों के जो नए नए चैनल है आप भी ट्राई करना। और ये जो आज घूम रहे थे ना पीछे पीछे ऐसे कैसे, बींद राजा भी कल परसों में स्कूल गई तब इस गलियों में घूम रहा था, लेकिन वो मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने कहा भले घूमे यहाँ कोई डर तो लगता है नहीं। और ये जो घूम रहे हैं, और ये मतलब डराने के लिए घूम रहे हैं, पता नहीं अपना रौब दिखाने के लिए घूम रहे हैं, करना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन डर वर तो यहाँ आस पास है नहीं। तुम्हारे मजो कर दे दूध उठा को, लार लार घना घूमया नहीं, तो पीछे पीछे ज्यादा घूमे ना तो उसको तो उसके हाल तक पहुंचाने में देर नहीं लगी थी, तुम्हें भी नहीं लगी। और ज्यादा ही मेरे से मिलने की तुम्हें यूं एक्साइटमेंट है ना, तो पुलिस थाने आ जाना, और पुलिस वाले नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे तो वापस चली जाऊं एसपी ऑफिस, और वापी नहीं हुई छोड़ूंगी तो नहीं मैं किसी को भी, भले तुम हो भले वो तुम्हारा बाप हो कोई भी हो। तो ठीक है, अभी मैंने सिर धोया था इसलिए ये पोतिया बांधा है वाइट वाला। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो मतलब जो उसने मुझे जिस लड़की ने ये ट्रिक बताई कि आप वीडियो ऐसे बनाओ, ये मेरे कितना काम आ गया कि कुत्ते जो हैं ऑन कैमरा मेरे वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो गए हैं, और अच्छी बात है मतलब फायदा हो गया उस चीज का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट कीजिए, बाय बाय, टाटा, सी यू, खत्म। क्या हम डरते हैं तेजू? नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते हम। गाली मत में बुरी बात होती है। मैंने गाली कब बोली? बंद करो। नहीं, पानी अभी भी है थोड़ा थोड़ा। बाप गाली होती है। बाप पिता को बाप बोलते हैं। पर वो गाली होती है। पापा को बाप बोलते हैं। पता है? तो गाली कैसे होती है? नहीं यार मेरे वो गाली होती है।